हेलो फ्रेंड्स, निक्स फ्लेवर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। इसे बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो आइए फ्रेंड्स इस टेस्टी रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हम 1 कप व्हिप्ड क्रीम लेंगे और उसे इलेक्ट्रिक बीटर की सहायता से बीट करेंगे। इसे हम तब तक बीट करेंगे जब तक कि इसमें इस तरह से सॉफ्ट पीक्स ना आ जाए। अब हम 2 मीडियम साइज के आम लेंगे और उसे छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से आम को टुकड़ों में काट लिया है। अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे, उसमें आम के टुकड़ों को डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें हम 1/4 कप शुगर और 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। इन सब का हम एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। हम व्हिप्ड क्रीम में आम के पेस्ट को डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें 1/4 कप छोटे साइज में कटे हुए आम के टुकड़े डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इस तरह का कोई मोल्ड या कंटेनर लेंगे और उसमें आम के पेस्ट को डाल लेंगे। इस तरह से पेस्ट को डालने के बाद हम इसके सरफेस को स्पैचुला से प्लेन कर लेंगे। इसके सरफेस को डेकोरेट करने के लिए हम मैंगो प्यूरी को स्पून से इस तरह से गिराएंगे और उसे टूथपिक की हेल्प से इस तरह से डिजाइन बना लेंगे। ये डिजाइन पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। डिजाइन बनाने के बाद मोल्ड को 2 से 3 बार इस तरह से टैप करेंगे जिससे इसका सरफेस प्लेन हो जाए। इसके बाद हम इसे फॉयल पेपर से इसे कवर कर लेंगे और फ्रिज में 7 से 8 घंटे तक के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 7 से 8 घंटे हो गए हैं और यह कितनी अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। अब हम स्कूपर की हेल्प से आइसक्रीम को निकाल लेंगे और उसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल करके इस तरह से सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस मैंगो आइसक्रीम की क्विक एंड ईजी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।